हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चला सारथी। और मैं हूँ आपका अपना होस्ट आनंद। तो आज का मेरा दूसरा जो डिश है ठंड में खाए जाने वाला, सबसे ज़्यादा जो हम लोग जनरली खाते हैं वो है गुड़। चीनी को थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो गुड़ बेसिकली आपको प्राकृतिक गुण से भी अच्छा, औषधीय गुण भी है। तो आज मैं बनाऊँगा गुड़ का और टमाटर की चटनी, मेरे स्टाइल का, बहुत बढ़िया है। इससे पहले वाला जो डिश बनाया था मटर वाली, मटर के परांठे, तो उसके साथ इसका कॉम्बो डेडली बनेगा। तो चलिए देखते हैं बनता है कैसे और इन्ग्रीडियंट्स है क्या क्या, आइए चलें। इसमें चाहिए सबसे पहले बिल्कुल लाल पके हुए देसी टमाटर, जिसमें आपको खट्टापन भी हो रस भी हो। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे टमाटर, सौंफ, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, इमली, तेज का पत्ता और दो लाल सूखी लाल मिर्च, और साथ में ढेर सारा गुड़। गुड़ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है और इसमें हम लोग डालेंगे रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। पहले हम लोग डालेंगे दालचीनी, बड़ा इलायची है, इसको हम लोग बीच बिल्कुल बीच से खोल देंगे। फिर थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, फिर डालेंगे किशमिश, थोड़ा सा डालेंगे अदरक, बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक है, हल्का भून लेंगे इसे। तो अब हम लोग काटते हैं टमाटर को। इस तरह हमने अपना सारा टमाटर काट लिया, डाला मैंने तेज पत्ते, मिर्ची, इसे भी भून लेंगे हल्का। अब ये मसाला हल्का ये भून चुका है, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। मैंने फ्लेम को कर दिया है तेज। अब गुड़ को भी हम लोग बारीक कर लेते हैं, बारीक चॉप करने से ये घुलने में आसानी रहेगा। और साथ में अब इसको हम लोग टमाटर को घुलने के लिए बिल्कुल छोटे से चम्मच से डालेंगे नमक, ताकि वो टमाटर जल्दी घुले। अब ये हल्का घुलते हुए 5 मिनट हो गए, अब हम लोग इसमें डालेंगे गुड़। तरह गुड़ मैंने मिला दिया है, अब इसे अच्छे से पकने के लिए थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। अब ये हमारा जो टमाटर और गुड़ की चटनी है वो करीब करीब तैयार होनी है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू डाल दिए, थोड़े से किशमिश डाल देंगे। तो अब ये हो गया तैयार। तो चलिए अब इसको करते हैं टेस्टिंग और प्लेटिंग। तो पहले करते हैं प्लेटिंग। तो जैसा कि अब देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है हमारा टमाटर और गुड़ का बढ़िया वाला चटपटा वाला, साथ में इमली के साथ चटनी। तो आइए अब वीडियो का बेस्ट पार्ट करते हैं, चलो चखते हैं और इसका एक जेन्युइन फीडबैक देते हैं। तो जैसा कि बेस्ट पार्ट करते हैं, चलो चखते हैं। तो ये है मेरी ये जो ये आवाज होती है ना, यही तो चटनी का स्वाद है। तो इसको जरूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।